कंटिन्यू टॉपिक। मैं कल अपने पिछले वीडियो में क्या कर लिए थे, ई तक कर लिए थे। आज एफ का क्वेश्चन करते हैं। एफ का क्वेश्चन फर्स्ट में एफ क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस ए, कोसेक एक्स माइनस ए, एक्स डज नॉट इज इक्वल टू ए, और एक्स इज इक्वल टू ए होता तो क्या होगा, जीरो। तो कहता है एक्स की बराबर ए पर क्या करना है, कंटिन्यूस की जाँच करनी है। तो सॉल्व ग्राफ बना देते हैं, ये है x इज इक्वल टू ए। तो कहता है a नहीं हो तो इसका मतलब इसके लेफ्ट साइड में f x इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन x माइनस a cosec और x माइनस a, और इसके राइट साइड में भी क्या है, f x इज इक्वल टू और 1 अपॉन x माइनस a और cosec और x, ठीक है। फिर उसके बाद है पर्टिकुलर f a पर क्या है, एफ ए पर एक्स बराबर ए हो तो क्या मन का मान क्या रहेगा, जीरो। तो एक्स बराबर ए पर लेफ्ट लिमिट एल एच एल क्या होगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एक्स, तो लिमिट एस टेंस टू जीरो। और ये कहाँ रखोगे आप, इसमें रखोगे लेफ्ट साइड में आएगा और राइट साइड दोनों में इसी जगह रखोगे, ये बन जाएगा वन अपॉन और ए माइनस एच माइनस ए, और ये बन जाएगा cosec और x की जगह रख दोगे आप a माइनस एच माइनस ए, और कैलकुलेशन करोगे a से कैंसिल हो गया और इस a से a कैंसिल हो गया, क्या रखा आपने a माइनस एच, a माइनस एच किसकी जगह, x की जगह, और माइनस a था ऐसा कैसा। फिर उसके बाद में क्या बचा, लिमिट एस टेंस टू जीरो वन अपॉन माइनस एच, और ये बन जाएगा cosec और माइनस एच। फिर इसके बाद में इसको नीचे ले आओ, लिमिट एस टेंस टू जीरो ये बन जाएगा वन अपॉन माइनस एच, और ये आ जाएगा साइन एच, एक माइनस का निशान बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस। फिर उसके बाद में लिमिट और एस टेंस टू जीरो और ये क्या बचा, वन अपॉन एच साइन और एच, वैल्यू रख दो, ये आ जाएगा वन अपॉन जीरो, और उसके बाद में साइन जीरो का मान भी क्या होगा, जीरो, रोज जीरो, और ये क्या निकल के आएगा आपके पास में, वन अपॉन जीरो इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये क्या मान है, अपरिभाषित मान है। फिर उसके बाद में आर एच एल निकालो, आर एच एल वो क्या होगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो और एफ ए प्लस एच, ए प्लस एच आर को भी इसी के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो और a प्लस एच ऐसा कैसा, वन अपॉन और a प्लस एच माइनस ए, और cosec और ये क्या आ जाएगा, a प्लस एच माइनस ए, इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो और ये आ जाएगा वन अपॉन एच और cosec और h, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन एच और ये वन अपॉन साइन एच, दिया जाएगा वन अपॉन जीरो क्लोज और जीरो इज इक्वल टू वन अपॉन जीरो, तो क्या देगा, इनफाइनाइट। और एफ ए का मान कितना है, पर्टिकुलर एक्स बराबर ए पर जीरो, हमने पाया एक्स बराबर ए पर एल एच एल डज नॉट इज इक्वल टू आर एच एल और डज नॉट इज इक्वल टू एफ ए, क्यों, कि एल एच एल का मान इनफाइनाइट है और आर एच एल का मान भी इनफाइनाइट है। तो पहली बात तो दो इनफाइनाइट एक बराबर नहीं होते कभी भी, याद रखना, अगर अपरिभाषित मान आता है अनडिफाइंड वैल्यू आती है वो ऑप्शन प्लस पर क्या नहीं होती, बराबर नहीं होती। दूसरी बात, एफ ए का मान जीरो आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, एल एच एल और आर एच एल का मान इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो तीनों क्या है, ऑप्शन बराबर नहीं है, तो क्या लिखोगे, अतः एक्स बराबर ए पर दिया गया गया फलन गिवन फंक्शन क्या है, एफ एक्स सतत नहीं है, मतलब कहने का क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, असतत है। अगला सी का,
कहता है टेस्ट में जी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए एक्स लेस देन ए और एक्स इज इक्वल टू ए जीरो और एक्स ग्रेटर देन ए ए माइनस ए की पावर थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या कहता है x लेस देन जीरो हो तो ये फंक्शन होगा, x बराबर a हो तो ये फंक्शन होगा, x ग्रेटर देन a हो तो ये फंक्शन होगा, a माइनस a की पावर 3 अपॉन x स्क्वायर। कहता है x बराबर a पर और कंटीन्यूअस की जांच कीजिए। तो क्या करोगे, सबसे पहले ग्राफ बनाओ, ये x बराबर a। अब कहता है ए का मान x का मान a से छोटा हो तो छोटा की साइड में इस साइड में वो f x आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन a माइनस a। पर्टिकुलर पॉइंट पे वो क्या आ जाएगा f a इज इक्वल टू जीरो। राइट साइड में क्या आ जाएगा f x इज इक्वल टू a माइनस a की पावर 3 अपॉन x स्क्वायर। x बराबर a लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट और प्रॉपर तो ये क्या बन जाएगा LHL लिमिट एस टेंस टू जीरो ऐसा कैसा, ये क्या बन जाएगा एफ और ए माइनस एच ए प्लस एच ए माइनस एच ऐसा कैसा लिमिट एस टेंस टू जीरो ए माइनस एच आ रखोगे इस साइड में तो ए माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए और माइनस ए। फिर उसके बाद में लिमिट और s टेंस टू जीरो इसका एक्सपेंशन कर देना प्रसार कर देना तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस टू ए एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन a माइनस a। तो इसको और सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा लिमिट और s टेंस टू जीरो और डिवाइड करो a से तो क्या आ जाएगा आपके पास में ओनली a, a स्क्वायर में a से डिवाइड करोगे भाग दोगे तो a बचेगा माइनस इसमें इसका भाग दोगे तो क्या बचेगा 2h। फिर उसके बाद में प्लस h स्क्वायर अपॉन a और माइनस a। अब इसको सरल करोगे तो a माइनस का ये प्लस का कट जाएगा लिमिट और s टेंस टू 0 और ये बन जाएगा माइनस 2h और प्लस h स्क्वायर अपॉन a। ये क्या देगा माइनस 2 क्रॉस 0 और प्लस 0 का स्क्वायर a, ये कैंसिल होने के बाद में क्या बचेगा 0। फिर उसके बाद में आर एच एल राइट हैंड लिमिट तो क्या देगा लिमिट एस टेंस टू जीरो और एफ जीरो प्लस एच तो जीरो प्लस एच ही ए प्लस एच यही है ना ए प्लस एच कहाँ रखोगे इस साइड में तो लिमिट एस टेंस टू जीरो ए प्लस एच रख दो ऐसा कैसा ए माइनस ए की पावर थ्री अपॉन ए प्लस एच का होल स्क्वायर कहाँ रखोगे एक्स की जगह जहाँ एक्स है तो इसको सरल करो लिमिट और एस टेंस टू जीरो और ये बन जाएगा ए माइनस और ए की पावर थ्री इसका एक्सपेंशन करो ए स्क्वायर प्लस टू ए एच प्लस एच स्क्वायर। फिर उसके बाद में लिमिट एस टेंस टू जीरो ऐसा कैसा ए। अब आप क्या कीजिए इसमें ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा माइनस ए की पावर थ्री अपॉन ए स्क्वायर वन प्लस टू एच अपॉन ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये कट गए ऐसे कैसे तो ये आ जाएगा आपके पास में लिमिट और एस टेंस टू जीरो और ये आ जाएगा ए माइनस ए अपॉन और वन प्लस टू एच अपॉन ए और प्लस एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। उसके बाद में ए ऐसा कैसा और माइनस ए अपॉन वैल्यू रख दो ऐसे कैसी ये वन प्लस ये जीरो और प्लस ये जीरो का स्क्वायर और ये टू ऐसा कैसा अपॉन ए स्क्वायर। ये पूरा पूरा सरल करोगे तो ए अपॉन ए ऐसा कैसा ए और ये क्या बचेगा जीरो और वन ये कैंसिल होकर क्या देगा
a माइनस ए कितना बचेगा, जीरो। आर एच एल का मान कितना है, जीरो। और एल एच एल का मान कितना है, जीरो। फिर उसके बाद पर्टिकुलर पॉइंट पे एफ ए, एफ ए पर दे रखा है कितनी वैल्यू दे रखी है, जीरो दे रखी है। तो हमने पाया x बराबर a पर एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू और एफ ए, तीनों बराबर है मतलब तीनों मान जीरो है। तो अतः x बराबर a पर दिया गया फलन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, सतत होगा। देखो एक बार दोबारा देखो क्या कहता है कि x less than a मतलब x का मान a से छोटा हो, x का मान a के बराबर हो, x का मान a से बड़ा हो। जब छोटा है तब तो ये फलन है, बराबर है तब ये फलन है, और बड़ा है x का मान और a से अगर बड़ा है तो ये फलन है। तो सबसे पहले इसको डायग्राम में व्यक्त करते हैं। तो x बराबर a यहाँ पे है, तो a पर्टिकुलर है तो फलन का मान कैसा है, f a बराबर जीरो है। उसके अलावा छोटे पर कैसा मान है, छोटे पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए है, और बड़े पर क्या है, बड़े पर ये है x ग्रेटर देन ए, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए माइनस ए की पावर थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर। तो उसके बाद में एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट एस टेंस टू जीरो और एफ ए माइनस एक्स, लिमिट एस टेंस टू जीरो और a माइनस एक्स कहाँ रखोगे इस सेट में, तो क्या आ जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस e। तो लिमिट s टेंस टू जीरो और उसके बाद एक्सटेंशन करोगे a स्क्वायर माइनस 2ah प्लस h स्क्वायर अपॉन a माइनस e। सरल करोगे लिमिट s टेंस टू जीरो और a माइनस 2h प्लस h स्क्वायर अपॉन माइनस e, तो a से डिवाइड कर दोगे तो ऐसा कैसा, माइनस 2h प्लस h स्क्वायर अपॉन a, तो माइनस टू क्रॉस जीरो प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए, टोटल कटी क्या जाएगा जीरो। फिर उसके बाद में आर एच एल में क्या होगा, ए प्लस एच, ये ऐसा कैसा, तो लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, लिमिट एस टेंस टू जीरो और फिर उसके बाद में ए ऐसा कैसा और ए की पावर थ्री अपॉन एक्स का मान क्या हो जाएगा, ए प्लस एच का होल स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो और ए माइनस ए की पावर थ्री और a प्लस एच का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए एच प्लस एच स्क्वायर। फिर उसके बाद में ए स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो ये सरल करोगे तो क्या मिलेगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो a माइनस a अपॉन वन प्लस टू एच अपॉन a प्लस एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर उसके बाद कैलकुलेशन शुरू करोगे तो a माइनस a इज इक्वल टू जीरो, एफ ए, एफ ए इज इक्वल टू क्या है, जीरो। तो क्या आ जाएगा, x बराबर a, एफ ए पर प्रॉपर्टी को दे रखी है वैल्यू ऐसी कैसी, तो वो क्या जाएगी जीरो। तो एल एक्स बराबर ए पर क्या होगा, एल एच एल आर एच एल और एफ ए बराबर जीरो देगा, तीनों देते हो। तो कैलकुलेशन करोगे एक्स बराबर ए पर क्या दिया गया फलन क्या होगा, सतत। आपके पास में x और महत्तम पूर्णांक फलन का जो सिंबल लगा रखा है इसका, इसका अर्थ यह है कि अगर आपने x का मान 2.1 वगैरह रखा तो आपको रिजल्ट मिलेगा महत्तम पूर्णांक लगाने के बाद 2.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका मतलब 2। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो भी पॉइंट के बाद इंटीजर रखा उसका छोटे से छोटा इंटीजर लेना होता है, छोटे से छोटा इंटीजर मतलब छोटे से छोटा पूर्णांक लेना है। जैसे 2.1 लिखूंगा तो 2 रिजल्ट आएगा, x इज इक्वल टू 2.2 रखूंगा तो ये रिजल्ट आएगा, x इज इक्वल टू 2.99 रखूंगा तो भी ये रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद भी यदि x बराबर मैं 1.99 रखता हूं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, महत्तम पूर्णांक फलन 1.99, तो क्या देगा, 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू मैं अगर 1.1 लिखता हूं तो उसका महत्तम पूर्णांक लगाता हूं तो उसका 1 आएगा। मतलब कहने का अर्थ है जितने
जो भी पॉइंट हो गए ना उससे छोटा जस्ट इंटीजर, तो 2.1, 2.2, 2.9 इनका छोटा इंटीजर क्या है, तो और अगर 1.99, 1.88, 77 वगैरह जो भी 1 पॉइंट के आगे दे रखा उसका छोटा इंटीजर क्या है, 1 है। अगर सपोज दैट ऐसा लिखा जाए 0.98 और उसका महत्तम पूर्णांक लेना 0.98, तो उसका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जस्ट छोटा पूर्णांक क्या होता है 0.98 का, 0 होता है। अगर नेगेटिव संख्या दे रखी है आपके पास में x इज इक्वल टू जैसे माइनस है और 2.1 दे रखी है, तो इसका महत्तम पूर्णांक निकालोगे -2.1, तो जस्ट छोटा इंटीजर, तो नेगेटिव संख्या में जस्ट छोटी बड़ी होती है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, उल्टा चलता है। फिर उसके बाद में x बराबर मैंने माइनस का और 3 पॉइंट और 99 ले लिया, तो उसका महत्तम पूर्णांक क्या आएगा -3.99, जस्ट छोटा, तो क्या होगा माइनस का 4 होगा। नेगेटिव संख्याओं में उल्टा होता है, क्योंकि जितनी संख्या बड़ी होती है ना उतनी छोटी होती है, नेगेटिव संख्याओं में जितनी संख्या बड़ी होती है उतनी ही छोटी होती है, और पॉजिटिव में सही चलता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। फलन f(x) = x - महत्तम पूर्णांक x का x = 3 पर साध्यता का परीक्षण करना है, तो सबसे पहले सॉल्व डायग्राम बना लो, सॉल्व बना लो, ये 3 है और इस 3 के साइड में 3 माइनस एच और इस साइड में 3 प्लस एच, ये 3 है, एच एक बहुत छोटी राशि है और वो अगर घटाओगे तो इस साइड में आओगे और 3 के एच को जोड़ोगे तो इस साइड आओगे, पर सब जगह फंक्शन है ना वो एक जैसा ही है, कैसा कैसा एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास x माइनस महत्तम पूर्णांक x, सब जगह 3 के इधर उधर लाल सब जगह फंक्शन एक जैसा ही। अब उसके बाद में x बराबर 3 पर LHL लो, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या देगा लिमिट है और s टेंड्स टू 0 और f 3 माइनस h, लिमिट है s टेंड्स टू 0 और 3 माइनस h क्या देगा, ये ऐसा कैसा, तो 3 माइनस h है और माइनस है और 3 माइनस h ऐसा कैसा, तो लिमिट है और s टेंड्स टू 0 और ऐसा कैसा 3 माइनस h। अब देखो पहले महत्तम पूर्णांक फलन को हटाओ, h का मान मैंने पहले भी बताया था आपको, h का मान होता है h इज इक्वल टू 0.0000, एक अलग राशि होती है, बहुत छोटी राशि होती है, अगर वो छोटी राशि अगर 3 में से घटेगी, मतलब कहने का अर्थ है 3 माइनस h, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 3 माइनस 0.0000001 वगैरह ऐसा कुछ मान है, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा 2.99999 ऐसा कुछ आएगा, अगर ऐसा कुछ आएगा इसका मतलब उसका महत्तम पूर्णांक लोगे 2.99, उसका महत्तम पूर्णांक लोगे और भी सकते रहते हैं, तो क्या आएगा आपके पास 2 आएगा, मतलब कहने का अर्थ है 3 में से कुछ घट रहा है, तो यहाँ पे भी क्या है 3 माइनस एच उसका महत्तम पूर्णांक ले रहे हो, मतलब 3 से कम है कुछ, कम है इसका मतलब 2 पॉइंट कुछ है, तो 2 पॉइंट कुछ का महत्तम लोगे तो क्या आएगा आपके पास माइनस का 2 आएगा। अब वैल्यू रख दीजिए, तो अब रखते ही क्या जाएगा आपके पास 3 माइनस 0 माइनस 2, तो कैलकुलेशन करोगे तो क्या जाएगा आपके पास। फिर उसके बाद में RHL राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट है s टेंड्स टू 0 और f 3 प्लस h, तो ये क्या जाएगा लिमिट है और s टेंड्स टू 0 और ये कहां रखोगे 3 प्लस इसी के अंदर, तो ये बन जाएगा 3 प्लस h माइनस और 3 प्लस h ऐसा कैसा, तो ये आ जाएगा लिमिट है और s टेंड्स टू 0 और ये आ जाएगा 3 प्लस h, तब 3 प्लस h उसका महत्तम पूर्णांक ले रहे हो, तो इसका मतलब ये क्या आएगा माइनस का 3, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ 3 प्लस h का मतलब ये हुआ कि 3.3 प्लस 0.0000001 वगैरह, तो 3.0000001 ऐसा कुछ वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब क्या है उसका अगर महत्तम पूर्णांक लोगे तो इसका महत्तम क्या बन गया आएगा आपके पास 3 का 3 बन गया आएगा, और वो 2.99 ना हो गया तो उसका महत्तम पूर्णांक क्या है जस्ट छोटा इंटीजर, जस्ट छोटा पूर्णांक, जस्ट छोटा पूर्णांक 2 और इसमें क्या होगा इसका जस्ट छोटा पूर्णांक क्या होगा 3 होगा, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 ऐसा कैसा ये कट गए s बचा तो क्या जाएगा इसका मतलब 0 वैल्यू, तो लेफ्ट लिमिट का मान आ गया राइट लिमिट का आ गया, और उसके बाद में पर्टिकुलर f x = 3 पर तो ये क्या जाएगा f 3 तो क्या आ जाएगा 3 माइनस है और 3 तो ये क्या आ जाएगा 3 और ये माइनस 3, तो महत्तम पूर्णांक 3 का 3 लोगे तो 3 का 3 ही आता है, 2 का अगर लिया तो 2 का महत्तम पूर्णांक 2 ही आता है, 3 लिया
पूर्णांक संख्या लोगे तो पूर्णांक की पूर्णांक कहते हैं, चार लोगे तो उसका भी क्या आएगा, चार ही आएगा। तो क्या आ जाएगा, थ्री माइनस थ्री जीरो। तो हमने पाया x बराबर थ्री पर एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, दोनों बराबर नहीं है ना, उसका मान एक आ रहा है इसका जीरो आ रहा है, तो डज नॉट इज इक्वल टू और एफ थ्री। तो अतः x बराबर थ्री पर दिया गया फलन क्या नहीं है, सतत नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूअस। x बराबर थ्री पर एल एच एल लिमिट एस टेंस टू जीरो, एफ थ्री माइनस एस लिमिट एस टेंस टू, ये कैलकुलेशन की वन। आर एच एल का मान क्या, x बराबर थ्री पर एफ थ्री, ऐसा कैसा एल एच एल आर एच एल और एफ थ्री तीनों बराबर नहीं है, तो x बराबर तीन पर दिया गया फलन क्या है, सतत नहीं है, सतत मतलब डिसकंटिन्यूअस है। और इसी पे नहीं, अगर ये फलन आप बात करें तीन जैसे पूर्णांक संख्या कोई भी इंटीजर है ना, प्रत्येक पर डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर बात करें जैसे बिना पूर्णांक 2.9 वगैरह ऐसा लोगे या 2.5 लेंगे उस पे ही कंटिन्यूअस आ जाएगा या डिसकंटिन्यूअस आ सकता है, परंतु अगर परफेक्ट पूर्ण संख्या लेंगे, पूर्णांक लेंगे, इंटीजर लेंगे, जैसे तीन ले लिया, तीन दिया, तीन पे सोल्व किया, दो लेंगे, चार लेंगे, पांच लेंगे, छह लेंगे, एक जीरो, सब पे ये क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस आएगा। x बराबर 3 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर नहीं। निम्न फलन यदि निम्न फलन x बराबर दो पर सतत है, मतलब चेक करने की जरूरत नहीं है, जांच करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सतत है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, तो k का मान फाइंड आउट करना है। कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सोलह एक्स और प्लस बीस के, जब एक्स डज नॉट इज इक्वल टू टू और जब एक्स इज इक्वल टू टू। कहता है यदि निम्न फलन एक्स बराबर टू पर सतत है तो के का मान ज्ञात कीजिए। कहता है fx is equal to x की पावर 3 plus x square minus 16x plus 20 जब x does not equal to 0, और कहता है जब x is equal to 2 हो तो k का मान, fx का मान क्या होगा, k। तो थोड़ा सा ग्राफ बना दो, x is equal to 2 क्या देगा, fx f2 is equal to k, और उसके लेफ्ट पार्ट में क्या देगा आपके पास में, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 20। इसके अलावा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास, एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20, और पर्टिकुलर एक्स बराबर टू पर आपके पास में ये चीज। तो आप क्या करो, एल एच एल निकालो। अब देखो उसने क्या कहा, न्यून फलन एक्स बराबर दो पर सतत है, कंटिन्यूअस है, तो इसका हम निकालने की जरूरत ही नहीं है। एल एच एल लिखना x बराबर 2 पर क्या है, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ टू, ये बराबर है 100%, ये तीनों चीज बराबर है, क्योंकि पहले क्वेश्चन के अंदर ही लिख दिया ये तीन सतत है, कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये तीनों चीज बराबर है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो इसका मतलब इससे अपने को एक मान निकालना है, तो अपने को एक समीकरण बनानी होगी, और समीकरण बनाने के लिए या तो अपने लेफ्ट निकालें या राइट निकालें, या तो लेफ्ट निकालें या राइट निकालें। तो मैं सबसे पहले लेफ्ट निकाल रहा हूं, और पर्टिकुलर एफ टू पर, एफ टू पर तो मान डायरेक्टली के देखा है, तो उसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। एल एच एल निकाल रहा हूं, तो लिमिट एस टेंस टू जीरो, और फॉर्मूला क्या होगा, टू माइनस एच एफ टू माइनस एच, क्योंकि ये टू है, तो ये टू माइनस एच इस साइड में, टू प्लस एच इस साइड में, तो ये आ जाएगा
लिमिट है और एस टेंस टू जीरो और टू माइनस एच, तो क्या देगा यहाँ पे, टू माइनस एच की पावर थ्री प्लस टू और माइनस एच का स्क्वायर और माइनस सिक्सटीन और टू माइनस एच और प्लस ट्वेंटी, तो ये क्या देगा, लिमिट है और एस टेंस टू जीरो। और अब देखो इसको सोल्व करो, ए माइनस बी की पावर थ्री क्या देगा, ए की पावर थ्री माइनस बी की पावर थ्री माइनस थ्री ए बी और ए माइनस बी, ये चीज है। और ए प्लस बी की पावर थ्री क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस थ्री ए बी और ए प्लस बी, ठीक है। ए माइनस बी की पावर थ्री का ये फॉर्मूला आता है और ए प्लस बी की पावर थ्री का ये फॉर्मूला होता है। इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और ए की पावर थ्री प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर सॉरी ए की पावर थ्री, ए की पावर थ्री प्लस बी की पावर थ्री, ए की पावर थ्री प्लस बी की पावर थ्री प्लस थ्री ए बी, इनको मल्टीपल कर दो, थ्री ए स्क्वायर बी और प्लस थ्री ए और बी स्क्वायर। तो इसको सोल्व करो तो ये कितना देगा, एट ए की पावर ए की जगह क्या टू, इसकी पावर थ्री करोगे, फिर उसके बाद में एच की पावर थ्री, फिर उसके बाद में क्या लगेगा, माइनस का निशान है ना तो माइनस रखना, फिर माइनस और थ्री प्लस सिक्स एच और पॉजिटिव में क्या कर देना टू माइनस एच, फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करो, ये क्या देगा, फोर प्लस एच स्क्वायर माइनस फोर एच, फिर इसको अंदर मल्टीपल करो तो कितना आ जाएगा, बत्तीस और ये कितना आ जाएंगे प्लस का सोलह और एच और प्लस बीस। इसको और बोल दो थोड़ा लिमिट है एस टेंस टू जीरो ऐसा कैसा आठ माइनस एच की पावर थ्री और माइनस ये कितने आ जाएंगे बारह एच और वो क्या आ जाएगा प्लस का सिक्स एच स्क्वायर और प्लस फोर एच फोर प्लस एच स्क्वायर माइनस फोर एच माइनस बत्तीस और प्लस सोलह एच और प्लस बीस, ठीक है। अब उसके बाद में डायरेक्ट फिल कर दो लिमिट एच टेंस टू जीरो तो क्या बन जाएगा, यह देगा आठ जीरो ये जीरो ये जीरो, ये क्या बचेगा प्लस चार और ये खत्म सारा सारा, फिर माइनस का बत्तीस और फिर उसके बाद में प्लस का बीस, क्या आ गया दोबारा बता देता हूँ, ये आठ ऐसे कैसे ये जीरो बन गया ये जीरो बन गया ये जीरो बन गया प्लस चार प्लस चार, फिर उसके बाद में ये जीरो बन गया ये जीरो बन गया और ये माइनस का बत्तीस ऐसा कैसा, फिर ये जीरो बन गया और ये बीस। कैलकुलेशन करोगे तो क्या मिलेगा, बत्तीस प्लस का माइनस का बत्तीस क्या बचेगा जीरो। अब देखो एल एच एल का मान कितना आया, जीरो आया, तो एल एच एल का मान अगर जीरो आया तो अब आर एच एल निकालने की जरूरत नहीं है आपको, या आर एच एल निकाले तो एल एच एल निकालने की जरूरत नहीं है। अब एफ टू निकालो, एफ टू इज इक्वल टू डायरेक्ट दे रखा है, अगर एक्स का मान दो हो तो एफ एक्स का मान कितना है के, के का मतलब के, तो ये क्या देगा एल एच एल इज इक्वल टू एफ टू, इसका मतलब जीरो बराबर के, के इज इक्वल टू जीरो, के का मान पूछा था, के का मान क्या देगा जीरो। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं, कहता है निम्न फलन एक्स बराबर दो पर सतत है तो के का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या फलन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एक्स प्लस ट्वेंटी जब एक्स डज नॉट इज इक्वल टू टू और x is equal to 2 हो तो क्या दे रखा है k दे रखा है। अब उसके बाद में इसको डायग्राम में व्यक्त करेंगे x बराबर 2 यहाँ पे तो f 2 पर मान क्या है k, इसके अलावा 2 के अलावा जितना फलन का मान ये तो 2 के अलावा मतलब 2 के इस साइड में तो 2 के इस साइड में लेफ्ट साइड में और राइट साइड में फंक्शन का मान क्या है दोनों में एक जैसा ही। फिर x बराबर 2 पर ये सतत दे रखा है 2 पर सतत है कौन फलन सतत है तो एल एच एल आर एच एल और एफ बराबर होंगी निकालने की जरूरत नहीं है होंगे ये बराबर तो होंगे तो के का मान ज्ञात करना है तो मैं एल एच एल लिखता हूँ सबसे पहले तो एल एच एल में लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ टू माइनस एच टू माइनस एच तो ये टू माइनस एच इस साइड में इस फलन में रखी जाएगी लिमिट एस टेंस टू जीरो एक्स की जगह क्या रख दो टू माइनस एच की पावर थ्री प्लस टू जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रख दो टू माइनस एच रख दो तो टू
माइनस एच की होल पावर 3 प्लस 2 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 16 माइनस 2 और 2 माइनस एच और प्लस नंबर 3। फिर उसके बाद में इसको खोलो, एक्सपेंशन कर लो, प्रसार कर लो। प्रसार करने का मतलब ये फॉर्मूला होता है, अगर a माइनस बी की पावर 3 है तो ये होता है, और अगर a प्लस बी की प्लस है तो ये वाला फॉर्मूला होता है। क्या a प्लस बी की होल पावर 3 और a माइनस बी की होल पावर 3, तो a माइनस बी की होल पावर 3 का होता है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस और 3ab कोसेक a माइनस b। एक्सपेंशन कर दिया इसके तर्ज पे, फिर उसके बाद इसका एक्सपेंशन कर दो, इसको मल्टीपल कर दो, पूरा पूरा मल्टीपल करने के बाद में h का मान रख दो, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, एच जहाँ जहाँ एच है ना वहाँ जीरो रख दोगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बचे सारे सारे ऐसे कैसे लिख दो, 8 प्लस 4 माइनस 32 प्लस 20, टोटल कैलकुलेशन करोगे तो जीरो मिलेगा। एल एच एल का मान कितना, जीरो। एफ टू का मान के, अब देखो एफ टू का मान यहाँ से देखो के है, तो एल एच एल और एफ टू ये तीनों बराबर है, एल एच एल आर एच एल और एफ टू तीनों के तीनों बराबर है, तो एल एच एल का मान कितना है, जीरो, और एफ टू का मान के, तो के का मान आपको मिल गया जीरो है। आज के लिए इतना ही।